हेलो गाइस, तो सुबह के यहाँ पे 6:30 हो रखे हैं। तो आज हम जापानी गार्डन जाने वाले हैं, तो सीधा वहीं पे मिलेंगे। तो फाइनली गाइस, हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और ये लोकेशन है सेक्टर 31 चंडीगढ़ में, जापानी गार्डन के नाम से। वैसे तो गाइस हम यहाँ पे आते रहते हैं, बट आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये भैया है हमारे। और क्या हाल है भैया? ठीक हो? अभी घबरा गए, कहीं फूड ब्लॉगर तो नहीं है, फ्री का खा के जाएगा। तो गाइस हम ये पहुँच चुके हैं, ये जापानी गार्डन चंडीगढ़ के अंदर है ये। और देख सकते हैं आप कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, कितने अच्छे फ्लावर्स लग रखे हैं। ये वही जगह होती है गाइस जहाँ पे हम आके है ना, बिल्कुल काम फील करते हैं, एकदम नेचर के क्लोज फील करते हैं अपने आप को। और ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है गाइस, बिल्कुल ये एक जापानी थीम पे बेस्ड है ये पार्क। देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी आता था। और जैसे हम एंटर करते हैं, हमें सामने दिखते हैं यहाँ पे दो पुतले, एक पुतली बाई और एक पुतला बाया के। वैसे तो गाइस दिन में भी ये पार्क बहुत अच्छा लगता है, बट इन द नाइट जब ये लाइट चलती है ना भाई साहब, अलग ही फील आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? मामा आपको दिखाने जाएंगे यहाँ पे जो मगरमच्छ रखे हुए हैं, वो देखो यहाँ पे मगरमच्छ भी पाल रखे बंदों ने। और ये ब्रिज, हम ब्रिज पे से टाप रहे हैं अभी, टापिंग डा भाई साहब। चलने की ऐसी आदत रही नहीं है जब से बाइक ली है ना, बहुत ही अनहेल्दी होते जा रहे हैं। पता है दूध की थैली लेने के लिए भी है ना, अब तो बाइक पे जाते हैं यार। और ये रहे हमारे मगरमच्छ जिनके बारे में बोल रहा था, लेटे पड़े आराम से। वही थोड़े से बाल सेट कर ले। पता है क्या, ये पार्क बहुत ही शांत है। अगर आप सब घूमने आए कभी चंडीगढ़, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। बहुत शांत इलाका है और हरियाली काफ़ी है यहाँ पे। पार्क तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, जैसे अपना रोज़ गार्डन हो गया, रॉक गार्डन हो गया। ऑलमोस्ट जहाँ पे भी देखेंगे आप हरियाली दिखाई देगी यहाँ चंडीगढ़ में। बट जो ये जापानी पार्क है, एक तरीके की एक अलग ही थीम है जो जापानी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे पीछे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट जितना भी टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो भी यहाँ पे बनाया गया है, वो तकरीबन ये देखिए जापानी स्टाइल में है जो भी। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो मछली जिसकी आँख में अर्जुन ने तीर मारा था। और वो मछली उदास होकर खड़ी हुई है यहाँ पे काफ़ी टाइम से, तो जापानी पार्क वालों ने इन्होंने इसको उधार पे लिया हुआ है। और हम चलते जा रहे हैं ऑलमोस्ट हम ये जापानी पार्क को क्रॉस करने वाले हैं, बस निकलने वाले हैं अब यहाँ से। जितना था यहाँ पे वो सब आपको दिखा चुके हैं हम, बस एक ये जो लास्ट आइटम रह गया है वो थोड़ा जाते जाते आपको दिखा के जाए। तो गाइस एक ये फाइनल स्ट्रक्चर है जो आईफल टावर जैसा कुछ बना रखा है जापानी स्टाइल में। तो एक ये लास्ट ही रह गया था, बाकी हम ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, और जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप आई होप आप कभी यहाँ घूमने आए। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। टेक केयर, सी यू, पीस।